अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल। तो बिल्कुल सिंपल सी सादा सी दाल है, तो उसके लिए हमें सिर्फ चाहिए दाल। मैंने लिया है आधा पाव दाल। सबसे पहले दाल को धो के मैंने चूल्हा ऑन करना है और देख के मैंने रखना है पानी। ये वाले तकरीबन 1.5 जग पानी के डालने हैं इसमें। 1.5 जग पानी के डाल दिया है। अब मैंने इसको ऊपर से बंद कर देना है। तकरीबन इसे नीम गर्म हमने करना है इसे। और ये मैंने दाल रखी है, एक पाव है मैंने। अब इसको अच्छी तरह से धो लेना है। अब देखिए पानी गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें ये दाल डाल देनी है। इसमें मैंने अब दाल डाल दिया है, ये आप देखें। अब मैंने इसमें नमक मिर्च डालनी है। मैंने 2 चम्मच नमक की डालनी है इसमें, नहीं इतनी ज़्यादा। और ये वाली 3 चम्मच मैंने मिर्च की डालनी है। तीन हो गए। तो आप इसको हल्की आंच पे रखना है ताकि उबाल आए तो पानी इसका बाहर ना आए। ये दाल बहुत ही सिंपल से तरीके से बनती है और बहुत ही मज़े की होती है। ना इसमें प्याज डालो ना टमाटर डालो, सिर्फ और सिर्फ इसमें लहसुन का वो डाल कर दें, दरका लगा दें एंड पे। तो चलिए मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर आप देखें। तो आप इसको मिक्स करके मैंने ऊपर से ढक्कन दे देना है। ये देखिए उबाल आ रहे हैं इसको। अब मैंने ऊपर से ढक्कन दे देना। तो आप इसको पकने देना है। ये बिल्कुल लो आंच पर मैंने किया, ये देखें, ताकि इसका पानी उबल के जब उबाल आए ना तो पानी इसका बाहर ना आए। हो चुके हैं। अब मैं देखती हूँ दाल। अब मैं इसको, ये आप देख सकते हैं मेरी दाल तैयार हो चुकी है। बस थोड़ी सी देर में ये बन जाएगी। ये आप देखें दाल मेरी हो चुकी है। अब मैंने इसको तड़का लगाना है। इसके दूसरे चूल्हे पर रखती हूँ ऑयल। ये मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसको गर्म करना है मैंने। अब ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें लहसुन डालना है। आप देखें अब इसको हल्का भून करना है। साथ में इसको हिलाते रहना है। देखें कलर इसका ब्राउन हो चुका है। अब मैंने चूल्हे को बंद कर देना है और मैंने अब इसको सारा को इस दाल में डाल देना है। देखें कितना प्यारा कलर हो चुका है इसका। अब मैंने इसको डालना है दाल में। अब इसकी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इसको ढक्कन दे देना है। और अब मैंने इसमें हरी मिर्च 2 डाली। ये मैंने 4 हरी मिर्च मैंने काटी हैं। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, दरमियान से कट करके ये मैंने इधर डाल देनी है। 2-3 मिनट इसे पकाना है मैंने। बस 1-2 मिनट बस इसको पका के ऊपर से बंद कर देना है। अभी 1-2 मिनट के बाद मैंने चूल्हा भी बंद कर देना है। अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। आप देखते हैं, ये आप देखें दाल तैयार हो चुकी है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैंने इसको डोंगे में डालना है।
मैंने इसको डोंगे में डालना है। ये आप देखो कितनी अच्छी बनी है दाल, और बहुत ही आसान तरीके से बनी है और बहुत ही जल्दी बन चुकी है। ये मेरी दाल चा तैयार हो चुकी है। अब मैंने इस पर थोड़ा सा सूखा धनिया डालना है, हरा धनिया डाला है, आप सूखा धनिया थोड़ा सा डालना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये मेरी दाल तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।